आज हम बना रहे हैं शकरकंदी का हलवा। हमने शकरकंदी ली थी और ये उबाल ली है और कुछ को छील लिया है, कुछ को छील लेते हैं, फिर दिखाते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे। ये कुछ शकरकंदी बची हैं तो उनको छील लेते हैं पहले। ये हमने इसमें शकरकंदी डाल दी है, अब इसको कर देते हैं हम अच्छे से मैश। ये लेके आए हैं मिक्सर, इसको अच्छी तरह से ये मैश कर देगा। हाँ बेटे, क्या क्या बना रही मम्मा? हवा। आपको भी पता चल गया हवा बना रहे हो मम्मा? अच्छा, ये देखो हमारी शकरकंदी मिक्स हो गई है। अब दिखाते हैं आपको अगला स्टेप कि क्या करते हैं। अब ये कढ़ाई ले ली हमने, उसमें डाल लिया है हमने घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। ये घी रख दिया हमने, अभी ये मेल्ट हो जाएगा। अब घी में डाल देंगे हम अपनी जो हमें शकरकंदी मैश की थी, वो शकरकंदी या शकरकंदी जो भी आप बोलते हो, हमारे इधर उसको शकरकंदी बोलते हैं, कई जगह शकरकंद भी बोल देते हैं। शकरकंदी हमने डाल दी इसमें, फ्लेम को कर लेते हैं हम मीडियम आंच पे, इसको धीरे धीरे से इसके अंदर पकाना है। अब इसको धीरे धीरे से हम थोड़ा सा पका लेंगे। देखो सारा घी इसके अंदर मिक्स हो गया है और इस अब इसको भूनते हुए हो गई है हमारी 2 मिनट, 2.5 मिनट से ऊपर हो गई है। अब इसमें अगर किसी के पास भी दूध डाल दो, मोआ है तो मोआ डाल दो, हमारे पास मोआ बचा हुआ था तो हम इसमें मोआ डाल देंगे। मोआ को हमने पहले थोड़ा सा पतला कर लिया था दूध डाल के, तो हमने इसमें डाला है इलायची का पाउडर। अब इन दोनों चीजों को हम कर लेते हैं मिक्सअप।
इसको चलाते रहेंगे। अब और शकरकंदी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। ये डाल देंगे इसमें चीनी। अब इसको कर लेते हैं मिक्स। देखो हमारा हवा हो गया है बन के तैयार। अब इसको हम डाल लेते हैं एक बाउल में, क्योंकि इसने कढ़ाई छोड़ दी है। वैसे भी ये वाला हवा कढ़ाई छोड़ के रखता है। ये हमारा हलवा हो गया है तैयार। अब इसको हम कर देते हैं थोड़े से काज में। थोड़े से डाल देंगे इसके ऊपर बादाम और काजू। काजू डाल दिए इसमें। ये देखिए हमारा हलवे का फाइनल लुक। हमने इसको गार्निश कर दिया है। कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। चलो अब इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। आप भी बनाना, सही बहुत टेस्टी बनेगा ये।